मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। परमात्मा के भंडारे से ये थोड़ा सा परमात्मा का दिया हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, भंडारे से निकाल कर, और बहुत प्यार से, पवित्रता से, खुशी से खाना पका रही हूँ, या यूं कहें कि ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे परमात्मा इस संसार की पालना कर रहे हैं, तो मुझे भी एक छोटे से परिवार की पालना करने का एक मौका कहें, कर्तव्य कहें, या मेरा धर्म कहें, तो मैं आत्मा एक छोटे से परिवार के लिए परमात्मा की याद में रहकर ब्रह्मा भोजन पका रही हूँ। तो यह भोजन खाकर परिवार का हर एक सदस्य प्रेम से भरपूर होगा, अपने आप को शक्तिशाली निरोगी महसूस करेगा और निरोगी बनेगा, निरोगी है। इस तरह से कर्म में रहते परमात्मा की याद में खाना पकाना, यह नहीं सोचना कि हाँ ये घर में 10 मेंबर हैं और उनके लिए मैं अकेले खड़े होकर के खाना बना रही हूँ, नहीं। आपका कर्तव्य है, आपको ड्रामा में ये सीन करना है, तो आप ये सीन को एक्यूरेट निभा रही है, खुशी से, प्रेम से, आनंद से और परमात्मा की याद में रह के। इस वक्त मैं बर्तन धो रही हूँ, लेकिन बर्तन धोते समय भी मैं कुछ इस तरह से ख्यालात मेरे मन में नहीं है कि हाय मैं तो नौकर हूँ, मैं तो बर्तन धो रही हूँ, हाय कैसा ड्रामा मिला हुआ है, क्या है ये जिंदगी, यही करना है क्या, यही सब लिखा हुआ है क्या, भगवान ने मेरी किस्मत में यही सब लिखा है क्या, सब लोगों को तो देखो घूमने जाते हैं फिरने जाते हैं। आप यह सब सोचने की बजाय आप ये सोचें कि परमात्मा ने तो मुझे कोई बर्तन मांजने के लिए नहीं कहा है, परमात्मा तो मेरा पिता है। हर बाप अपने बच्चों को कभी भी यही चाहता है कि वो सुखी रहें, वो हर एक तरह से अपने जीवन को नंबर वन पालना देने की परमात्मा क्या लौकिक में भी हर पिता चाहता है। तो आप यह सोचने की बजाय कि हाय मैं ये कर रही हूँ, हाय मुझे परमात्मा मिला है, यदि मैं यह सब नहीं करती तो शायद परमात्मा मुझे नहीं मिलते, तो आप अपने भाग्य को सराहें कि परमात्मा का साइन आपके जीवन में तभी है जब आप परेशान हो, दुखी हो, या कुछ भी आपके जीवन में गरीबी किसी तरह की हो, चाहे वो फिर संस्कारों की गरीबी हो, चाहे आपके जीवन में विकर्मों की गरीबी हो, और किसी भी चीज के आभास को जब हम महसूस करते हैं तब बहुत अधिक महसूसता होती है दुख की, तब हम उस परमात्मा को, उस ईश्वर, उस भगवान को याद करते हैं। यदि सुख में ही हम याद करें तो फिर कुछ और ही ड्रामा हो। इस संसार में दुख व्याप्त है, हर कोई परमात्मा को पुकार रहा है, तो ये जो कार्य हमें मिला है वो हमें बाबा ने नहीं दिया है, ये हमारे ही कर्मों का हिसाब है। सो मैं खुशी खुशी उस परमात्मा की याद में रह करके हर कार्य करने की कोशिश क्या करती ही हूँ। कोशिश आप करिए, परमात्मा की याद में रहकर हर कार्य करिए। ओम शांति। ओम शांति माना अहम आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा धर्म शांति है, मेरा घर शांति है, और मेरा पिता शांति का सागर है। हम आत्माएं हैं और इस संसार में आकर के हम पार्ट बजा रहे हैं, अपना अपना पार्ट, जिसको जो मिला है ड्रामा में पार्ट, अपने कर्मों अनुसार सबको अपना अपना मिला हुआ है, सबका एक्यूरेट पार्ट है। हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, निराकार श्री परमात्मा जो ब्रह्मा के तन द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। चूंकि परमात्मा कहते हैं कि भारत का प्राचीन प्रसिद्ध राजयोग है, लेकिन वो राजयोग क्या है आम मनुष्य आत्मा नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने इस योग को बहुत कठिन बना दिया है, बहुत कठिन बना दिया है। जबकि योग राजयोग, सहज राजयोग, कर्म राजयोग, चूंकि परमात्मा कहते हैं मैं तुम सबका बाप हूँ, और तुम सबके बाप को याद करने के लिए कोई कठिन तपस्या में बैठना नहीं है, कोई पैर के ऊपर पैर रख करके बैठने की दरकार नहीं, कोई कपड़े सफेदी लेकर के बैठने की दरकार नहीं, कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके बैठने की आवश्यकता नहीं, कोई एक आसन ही मुकर्रर हो कि इस कलर का आसन हो या
प्लेस वही डिसाइडेड प्लेस हो, कुछ भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं जब तुम इस संसार में आए हो, ये आत्मा ने जब ये शरीर रूपी कपड़े को पहना है, तुम जीव आत्मा हो, और जब तक तुम इस संसार में शरीर में हो तब तक तुमको कर्म करना ही है। और एक पिता को याद करने के लिए उसकी कोई तस्वीर रख करके नहीं बैठा जाता है। परमात्मा आप सबका पिता है, बापों का बाप है, और वो आपकी कोई कमर की हड्डी तिरछी हो गई है उस कमर की हड्डी को ठीक करने के लिए नहीं आया है। परमात्मा आपकी जो बुद्धि को तिरछी हो गई है उस बुद्धि को तिरछी से कैसी करने आया है, सीधी करने आया है। तो आपको बुद्धि से याद करना है। परमात्मा कहते हैं योग शब्द रॉन्ग है, योग शब्द को निकाल, याद शब्द रखो, और याद तब आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और इस संसार में परमात्मा कहते हैं कि कौरव और यादव बहुत हैं, लेकिन पांडव बहुत कम हैं। पांडव अर्थात वो आत्माएं जिनको खुद का नॉलेज है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब आप खुद को पहचान लेंगे तब आप मुझे पहचानेंगे, तब आपको मेरी समझ मिलेगी कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तो तुम्हें फिर जब मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा, और जब तुम मेरे बताए रास्ते पर अर्थात श्रीमत पर चलोगे, तो तुम श्रीमत पर चलकर उस दुनिया के मालिक बन जाओगे। अर्थात मैं तुमको अपना पूरा हकदार, तुम बच्चे हो, मैं सारा वर्षा जो भी मेरे पास में है सब कुछ मैं तुम्हारे लिए है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, मुझे इस संसार में इस शरीर को लेकर के पाठ बजाने नहीं आना है। मुझे ना तो सुख की दुनिया में आना है ना दुख की दुनिया में, मुझे सिर्फ संगम योग पर आकर तुम आत्माओं को ये राजयोग, ये ज्ञान एक तन का आधार लेकर के देना होता है। और मैं कल कल पाता हूँ, मैं बताता हूँ कि तुम मेरे कौन हो। तो हमें इस बात को समझना है कि वो हमारा पिता है। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का जंगल में जाकर, किसी मंदिर में जाकर, किसी एक आसन पर बैठकर किसी तरह की माला का जाप करना, किसी तरह का मंत्रोच्चारण करना, किसी एक तरह का स्वमान लेना इस तरह से कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अरे आप आत्मा शांत स्वरूप तो हो, लेकिन अनुभव तो हो, अगले ही पल आप अशांत हो जाते हो, तो कैसी शांत स्वरूप आत्मा। आप कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अगले ही पल कोई मुश्किल आ गई तो आप शक्तिहीन हो जाते हो, तो कैसी शक्तिशाली आत्मा हो। परमात्मा कहते हैं जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, क्योंकि जो तेरे पास में है उससे तुम दुनिया नहीं चला पाओगे, जो मेरे पास है उससे दुनिया चलेगी। तो परमात्मा है ही पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर, सत्चित आनंद है ना परमात्मा। तो परमात्मा के पास जो भी है वो हमारे पास आएगा, तब हम उस दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी हम कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ मांगने वाले बने हैं, हमारा हाथ ऐसा है ना, देने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेने वाला। तो ये घोर कलयुग का है जो स्वास्तिक में आप देखते हैं, ये घोर कलयुग चल रहा है, इसमें किसी के पास में देने को कुछ नहीं है, सिर्फ लेने को है। लेकिन दे भी कैसे, चूंकि परमात्मा ही दाता है, परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई दे ही नहीं सकता, फिर भी हम परमात्मा के लिए कुछ भंडारी में डालते हैं, कुछ हम परमात्मा के परमार्थ के उसमें लगा देते हैं, हम कुछ सेंटर आदि खुलवा देते हैं, या जाकर सेंटर में कुछ हम ब्रह्मा भोजन के लिए पैसा देकर आते हैं, टोली के लिए, भोग के लिए कुछ भी देकर के आते हैं, हम कहते हैं कि हमने बाबा को दिया। ये गलत है, बाबा को नहीं दिया, बाबा नहीं लेता है, बाबा मांगता नहीं है, बाबा कोई ऐसा नहीं है कि हम आपके जैसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि मांग दो बच्चे, दो बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे लिए है, यदि तुम करते हो तो तुम्हारा ही कल्याण है। इसमें कभी नहीं कहना कि मैंने बाबा को दिया, अरे तुम उसको क्या दोगे जो जिससे संसार मांग रहा है, तुम्हारी क्या है कुबत देने की, है कुबत देने की, नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरा जो योग शब्द है उसे निकाल फेंको, और कर्म में रहते मुझ पिता को याद करो। आप जब खाना खाते हैं, और यदि आपको खाना पसंद नहीं है, आप मान लीजिए कि आपके बच्चे की थाली में आपने दाल राइस रखा, बच्चे को दाल राइस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका मन कहाँ चला जाता है, बर्गर पिज्जा की तरफ चला जाता है। आपको पसंद नहीं है तो आपको कुछ खट्टा खाने का मन है तो कड़ी आदि तरफ चला जाता है। तो आप खाते समय आपकी बुद्धि का लॉकडाउन कभी नहीं होता। इस संसार में हर चीज का जो अनशन पे बैठ सकते हैं आप, किसी भी तरह का स्ट्राइक मार सकते हैं, किसी भी तरह का लॉकडाउन कर सकते हैं, और जो शहरों में लगता है कर्फ्यू वो लगा सकते हैं, लेकिन आपके मन पर कोई कर्फ्यू, कोई लॉकडाउन, कोई किसी तरह का अनशन, कोई किसी तरह की आत्मा पर रोक टोक लगा ही नहीं सकता। इस संसार में किसी के पास वो ताकत नहीं है कि इस मन रूपी घोड़े को लगाम पकड़ करके खींच सके और उसके मन के संकल्पों को जीरो कर सके या मन को कहीं भटकने से रोक सके। लेकिन कहते हैं प्रार्थना, प्रार्थना में आप अपने मन में जो भटकाव चलता है, जो हमारा मन यहाँ वहाँ भटक
भटकता है, उस भटकते हुए मन को हम थोड़ा सा कंट्रोल में करते हैं। कंट्रोल अर्थात मन में जो संकल्प आते हैं वो संकल्प कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वो संकल्प क्या होते हैं थोड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं, बुरे की जगह अच्छे हो जाते हैं, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यही है प्रार्थना। प्रार्थना में जब हम अपने मन की बातें उस मूर्तियों के सामने या बाबा के सामने या किसी के सामने जब हम कह देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, और हमारा मन हल्का हो जाता है तो व्यर्थ को छोड़ करके हम थोड़ा अच्छा सोचने लग जाते हैं, समर्थि में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके संकल्प जीरो हो जाते हैं। तो यह बात हमें समझनी है कि ईश्वर हमसे आए दिन ये क्यों कहते हैं कि नीचे बच्चे योग शब्द रॉन्ग है। अब हर किसी को आपको बताना है कि हम कुछ भी करें, चाहे हम आज पैदल चल रहे हैं, कहीं रोड पर चल रहे हैं, या कहीं हम सफर कर रहे हैं, तो सफर के समय पर भी आपकी मन बुद्धि जो है यहाँ वहां जाती रहती, तो इस मन बुद्धि को मेरे साथ जोड़ करके रखो। मेरे साथ में संबंध जोड़ोगे तो मेरे साथ स्वतः ही संबंध जुड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप जब कोई एक जगह बैठ करके ही लगाएं मंत्र आदि करें, या कोई सामान में लेकर के सामान को लेकर बैठे या भट्टी करें तभी मैं आपकी मदद करूंगा। मैं तो मदद करने आया ही हूँ, तो हर पल मदद करना है मुझे, तो हर पल मुझे तुमको साथ रखना है। योग शब्द हटाना है, इसमें मैंने कोई किसी तरह का रोल रेगुलेशन नहीं रखा है। तुम कहीं भी कभी भी कैसे भी मुझे याद कर सकते हो, और वही याद कहते हैं कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, राज ऋषि। क्योंकि तुम बच्चे कर्म करते हुए सेवा करो, कर्म में रहते परमात्मा की सेवा करो। अब मैं कर्म में हूँ, लेकिन आज मैं परमात्मा की सेवा सिर्फ और सिर्फ कर्म में रहते ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास में ग्रस्त में रहते समय नहीं होता है कि मैं बैठ करके घंटों सेवा के लिए दे पाऊँ। सिर्फ मुरली के लिए मैं आधा पौना घंटा निकालती हूँ, क्योंकि मुरली को बैठ करके पढ़ना, सुनाना, सुनना और थोड़ा कहना चाहिए कि परमात्मा के अनुसार बैठ करके पहन करके बैठना, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर एक जगह पर बैठना। बाकी जो भी परमात्मा की सेवा है चलते फिरते उठते बैठते ही होती है, चाहे वो वीडियो बनाना हो, एडिटिंग हो, जो भी हो, क्योंकि रस में रहते बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये योग शब्द को हटाइए, कर्म में रहते परमात्मा की जहाँ तहाँ जैसे भी जब भी जहाँ भी आप रहते हैं याद करिए, क्योंकि वो आपका पिता है। आपको उसको याद करने के लिए उसकी परमिशन नहीं चाहिए, कोई टाइम टेबल नहीं है। परमात्मा जागती ज्योत है, 24/7 आवर्स, वो कभी सोता नहीं है। हमें सुलाता है, वो नहीं सोता है। वो कभी खाता नहीं है, हमें खिलाता है। वो कभी पहनता नहीं है, हमें पहनाता है। वो कहीं घूमता नहीं है, हमें घुमाता है। परमात्मा हमारी रक्षा 24/7 अवश्य करता है, और जब हम परमात्मा से कुछ कहते हैं तो उसके लिए हमें जगह, आसन, मंत्र, स्वमान, किसी तरह का आप ड्रेस चूज करके पहने या किसी समय पर ही करें, ये गलत है। परमात्मा बापों का बाप है, हम सर्व आत्माओं का पिता है। एक पिता अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे से परमिशन लो तब मेरे से बात करो। एक पिता ये कभी नहीं कहेगा कि तुम बैठ करके एक 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 एक, एक बात रिपीट करो, रिपीट करेंगे भेजक घूम जाएगा। बार बार जब एक ही एक बात कहोगे, आपसे कोई एक बात कहता है तो आप बार बार कहते हो ना कि सुन लिया, कितने बार सुनूंगा, कितने बार सुनूंगी, यही सुनते रहे, इतना खराब लगता है एक 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 बात। तो परमात्मा कैसे आपको एक बात पर आप बार बार कहोगे तो उसे अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, जब आपको अच्छा नहीं लगता तो उसे कैसे अच्छा लगेगा? हम भोजन बनाते हैं, हम कहते हैं भोग रखना है, चखो नहीं। अरे अगर आपके भोग में मिर्ची ज्यादा हो गई तो आप भगवान को मिर्ची खिला देंगे, ज्यादा खट्टा ज्यादा हो गया, कड़वा कुछ हो गया तो आप उसे कड़वा खिला देंगे। शगरी के बेर चख चख करके क्यों रखती थी? क्योंकि उसे ये था कि राम कहीं सड़ा बेर ना खा ले, है ना। इसलिए तो हम ईश्वर को कभी भी हमारे जान की दादी भोग को चख करके फिर परमात्मा को भोग देती थी। परमात्मा तो वैसे भी अभोगता है, वो तो खाता पीता नहीं है। तो ऐसा है शहंशाह, ऐसा है हमारा पिता, जो कहते हैं कि आपको बैठ करके मुझे याद करने की दरकार नहीं है। वो जो होता है वो योगा अर्थात शरीर की फिटनेस के लिए है, लेकिन शरीर की फिटनेस तो आपके आत्मबल से है। जो आत्मबल से भरपूर है उसको कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का बड़े से बड़े पहाड़ आपके जीवन में आ जाए, लेकिन यदि आप में आत्मबल है, आप में धैर्यता है, आप में शक्ति है, आप में शांति है, तो आप हर मुश्किल को यूं ही सहज पार कर लेंगे। लेकिन वह कब संभव है? जब आप अपने पिता को बहुत दिल से और बहुत प्यार से और बहुत भावनाओं के साथ में एकदम निस्वार्थ, निरहंकारी और निष्काम याद करेंगे। उसके बदले हमें कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, तभी हम याद करेंगे। और जो नहीं दिया तो हम नहीं याद करेंगे, ये तो आप अपने ऊपर ही अकल्याण कर रहे हैं। आपको क्या देने आया है? वो क्या शरीर की फिटनेस देने आया है? क्या आपको चेहरे की सुंदरता देने आया है? क्या आपको आईफोन देने आया है? क्या आपको कार, गाड़ी, बंगला देने आया है? ये सब तो ठीक है, आप अपने लिए करिए। सेवा के लिए फोन चाहिए जरूर मिलेगा, आपको कुछ ऐसे सेवा के लिए चाहिए होगा जरूर मिलेगा, लेकिन जो नहीं मिलेगा तो आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे हैं। मनसा सेवा है आपके पास में, धन से सेवा है आपके पास में, कर्म से सेवा है। आप कहीं भी बैठ करके मनसा सेवा करने का तो परमात्मा ने हर किसी के पास कहते हैं। आप किसी भी तरीके की कोई भी ड्रामा के पार्ट में हो, आपको कैसे भी, आपने पता होगा
आपको कि हमने बहुत पाप किए हैं और आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं चाहे आप ज्ञान में चल रहे हो चाहे नहीं चल रहे हो, आप कोई भी आत्मा हो, लेकिन आपके पास में एक पावर है, वो पावर है दुआ की देने की। दुआ में इतनी ताकत है, दुआ में इतनी शक्ति है, और वो दुआ हर किसी के पास है, हर किसी के पास, हर कोई दुआ दे सकता है। और दुआ रूपी धन यदि आपके पास में है तो आप क्या नहीं कर सकते। तो ईश्वर को कोई भी एक संबंध में बांध लीजिए जिस संबंध की आपको जरूरत है, आपको आपके जीवन में वो संबंध नहीं है और आप उस संबंध के लिए तरस रहे हैं, तो ईश्वर को संबंध में बांध लीजिए। भाई में, पति में, दोस्त में, सहेली में, माँ में, पिता में, जिसमें भी आप चाहें उसको बांध लीजिए और उससे अपने मन की सारी बातें कहिए। कर्म में रहते एक आशिक के जैसे उसे याद करिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने आशिक को कहीं भी रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं, पैदल चलते हैं, खाना बनाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते भी हैं, दुख भी, दुखी भी होते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अपने आशिक को हमेशा याद रखते हैं। ऐसे ही इस जो है परमात्मा को इसी तरह से अपना आशिक बना लीजिए। परमात्मा कहते हैं ना कि मेरे आशिक सब हैं, है ना, लेकिन मैं एक आशिक हूँ, बाकी सब मेरे आशिक हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई उस परमात्मा को कोई ना कोई समय याद जरूर करता है, कोई कभी कभी, कोई रोज, कोई हमेशा, कोई हर पल, है ना। तो जो दुखी है और सभी दुखी है सो उसे याद करते हैं, तो वो एक है और हम सब अनेक है। तो एक कहते हैं ना कि एक अनार सौ बीमार, तो यहाँ भी वही बात है। तो आप अपने मन का लॉकडाउन कभी कर नहीं सकते, लेकिन अपने मन को वहां ले जा करके रखिए। इसमें आसन या कोई इस तरह से परमात्मा नहीं कहते, योग लगाने परमात्मा नहीं कहते, कर्मयोगी बनने परमात्मा कहते हैं। अच्छा मोक्ष।